स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, आज मैंने जो मशीन चलाई तो उसका जो है जो सुई सलाख होती है वो खुल गई है, ढीली हो गई है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बांधना है और बांध सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी थी लेकिन उसको बांधा नहीं था, खोल के सिर्फ बताया था। इसमें मैं आपको सामने ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बांधना है और जिससे आप भी सीख सकते। इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये तरीका मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप काम कर रहे हैं तो तुरंत ही इसको सही कर लें। इससे क्या होगा, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और जो मैं दूसरा तरीका बताऊँगा वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, उसमें क्या कर सकते हैं आप इसको बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो नीचे से पूरी मशीन जो है शटर लेटर सब निकालना पड़ता है। वो तरीका दूसरा है तो वो किसी और दिन मैं बताऊँगा। मैं आपको तुरंत सही करने वाला ये तरीका बताऊँगा जिससे कि आपको आसानी से आप इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको सही करना है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, इसको पहले निकाल लेता हूँ। और ये देखिए, ये सुई यहीं पर है और लपलपी ये चल रही है। ये देखिए, ये चल रही है और ये सुई मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पकड़ लेता हूँ, यहीं पर है, ये खुल चुकी है। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो इसको किस तरीके से बांधना है, क्योंकि अब इसका सेंटर आउट हो चुका है और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों संग होती है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ आपको सही कैसे करना है। देखिए, इसमें बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसको भी देख सकते हैं। इसका सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो निशान है मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए, जितने में आपकी ये चलेगी, अंदर अंदर रहेगा हिस्सा, तो उतने बीच में ये निशान आ जाएगा, ये इस तरीके से। ये देखिए, जितना बाहर रहेगा उतना हल्का सा जंक कलर का, मतलब जंक ऐसी लगी हुई होगा हल्का सा काला कलर का, और बाकी बिल्कुल सफ़ेद होगा। तो ये निशान आपका एक तरीके से बन जाता है अंदर का। तो इस निशान को आपको यहीं पर बिल्कुल लाना है, उठा के आपको बांध देना है। और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ जो है इसको आपको बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है, ये इसके सेंटर में। तो इसका पहिया जो है बिल्कुल ऊपर रखें, इस तरीके से सेंटर पे बिल्कुल ऊपर रखें इसको, इस तरीके से सीधा रखें, ठीक है, पेंच के बिल्कुल सामने इस तरीके से सीधा रखने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से आपको इसको इस तरीके से करके और ये चीज़ जो निशान है इसको आपको यहाँ पर बांध देना है, यहाँ पर इसको बांधने के बाद इस तरीके से यहाँ पर रोक दें। रोकने के बाद ये वाला जो पेंच है, ये पेंच इसको टाइट करें। सबसे पहले इसको रोक लें आसानी से और इसको सेट कर लें। इस तरीके से इसको जो है आप निशान को बिल्कुल यहाँ पर रोक दें। रोकने के बाद अब हम इस पेंच को टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जाम हो गई है और ये चल रही है। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, धागा चढ़ा लें, इसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाबिन में डिब्बी लगा लेता हूँ इसमें। ये देखिए, ये इसका धागा, जब आपका ये मशीन का धागा उठ जाए तो आप समझ लीजिए आपके जो है ये बिल्कुल सही बंधा है। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। और इससे आपको फ़ायदा क्या है, इस ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फ़ायदा है।
कि जैसे मान लीजिए आप शर्ट बना रहे हैं या पैंट बना रहे हैं या ब्लाउज सूट कुछ भी बना रहे हैं और एकदम आपकी ये मशीन का पेंच ढीला हो गया और आपकी ये सलाख जो है सुई वाली ये नीचे हो गई या ऊपर हो गई या गड़बड़ हो गई, इसकी सेटिंग ख़राब हो गई, तो आप क्या करेंगे इस ट्रिक से आप तुरंत यहीं पर मशीन पर बैठे बैठे आप इसको सही कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत ही अपना काम चालू कर सकते हैं। मात्र एक मिनट नहीं लगेगा आपको ये चीज़ सही करने में। और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या है इसको पूरा निकाल के उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। इसको बिल्कुल अलग कर सकते हैं और किस तरीके से डाल सकते हैं, उसकी शटल की कैसे सेटिंग करते हैं इसका वीडियो में पूरा कंप्लीट, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो किसी और दिन बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बता दूं अगर हमारी मशीन के वीडियो और सब देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।